अंबाला जीआरपी की सीआईए शाखा ने हरियाणा पुलिस के एक ऐसे जांबाज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जिसका काम नशा तस्करों को पकड़ना था। जीआरपी की सीआईए शाखा ने नारकोटिक सेल में तैनात एएसआई निरंजन सैनी व एक अन्य को 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिस पर अंबाला एसपी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई निरंजन को डिसमिस कर दिया है और रिमांड पर लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे अंबाला पुलिस का एक एंटी नारकोटिक सेल का एक मुलाजिम एएसआई निरंजन जीआरपी पुलिस द्वारा एनडीपीएस के केस में अरेस्ट किया गया और इसकी पहले भी काफ़ी ऐसी शिकायतें और इनपुट्स इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करता है और इसकी पहले भी विभागीय जांच इसी से संबंधित विषय के ऊपर खुली थी जिसके अंदर इसको सज़ा भी दी गई थी। और अब क्योंकि ये खुद इसकी पर्सनल कस्टडी से एनडीपीएस नशीला पदार्थ रिकवर हुआ तो इसके खिलाफ हमने डिपार्टमेंटली प्रोसीड किया है। हमने 311(2) कॉन्स्टिट्यूशन की धारा के अंडर हमने इसको आज डिसमिस किया है क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये रिमांड के ऊपर है और अभी लंबा टाइम लगेगा और ये अंदेशा है कि ये जो विटनेसेस हैं उनको डरा धमका भी सकता है, इसलिए इसको इसके कार्य के लिए जो इसकी पहले क्या इसका कंडक्ट रहा है तो इसको पुलिस विभाग से डिसमिस किया गया। सर, बाकी पुलिस मुलाजिमों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह की प्रवृत्ति को? देखिए, हमने पहले भी बिल्कुल क्लियर किया कि किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर अगर किसी भी मुलाजिम की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पहले भी जिस भी मुलाजिम ने हमारा पहले भी एक सब इंस्पेक्टर ऋषिपाल करप्शन के केस में पकड़ा गया था और उसको भी हमने डिसमिस किया था और इसके अलावा और भी अगर कोई भी मुलाजिम किसी तरीके से भी अनैतिक इलीगल काम करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।